हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश 2M में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। कई बंदों को है, उनका पेमेंट पर्ची लिस्ट में भी नाम आ गया लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और काफी बंदे अभी भी ऐसे हैं जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट चेकर मेकर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनको क्या करना पड़ेगा, आखिर कब पैसा मिलेगा। उनके रोज कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम कमेंट्स बॉक्स में, रोज कमेंट आ रहे हैं कि कब मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बंदों की स्टडी दिखाने वाला हूँ कि उनको पेमेंट अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, उनका सब कुछ वेरीफाई हो गया, पेमेंट अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, उनका पर्सनल लिस्ट में भी नाम आ गया लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, एक भी रुपया उनको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है जिनको कोई पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अगर इस वीडियो को धैर्य के साथ देखेंगे आप तो आपको जरूर जरूर कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा इस वीडियो के तहत। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट ही करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी प्रकार की स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, NSP स्कॉलरशिप प्राइवेट स्कॉलरशिप अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई बकवास की। चलो इस बंदे का आप एक बार स्टेटस देख लीजिए। इस बंदे का इंस्टेंट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट चेकर एक्सेप्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन एक्सेप्ट, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर एक्सेप्ट, डिस्ट्रिक्ट मेकर एक्सेप्ट, लेकिन पेमेंट स्टेटस अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। काफी बंदों का प्रॉब्लम है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, काफी सारे बंदे जिनका पेमेंट अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात बताने वाला हूं, काफी ऐसे बंदे हैं जिनका अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। जी हाँ, मतलब इन बंदों को पेमेंट अंडर प्रोसेस तो हो गया लेकिन उनको फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। अभी इस बंदे का पेमेंट देख सकते हैं, इस बंदे का पेमेंट लिस्ट देख लीजिए, 31 मई को पेमेंट मिला है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक किसी को भी पेमेंट नहीं मिला, मतलब 1 से लेकर 9 जून तक अभी किसी को भी पेमेंट नहीं मिला है। लास्ट पेमेंट मिला है 31 मई को। तो आप समझ रहे हैं, 31 मई को पेमेंट आया, इसका मतलब ये है कि जो बिहार स्कॉलरशिप है वो हर महीने की हो सकता है लास्ट तारीख को स्कॉलरशिप जारी करती हो। समझ रहे मेरी बात, पिछले बार 31 मई को अधिक से अधिक बंदों का स्कॉलरशिप का पैसा आया है। जी हाँ, अधिक से अधिक स्कॉलरशिप बंदों का। मुझे बता दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का अगर आपका पैसा आया है इन तारीखों के मध्य तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चांस से नहीं आया है लेकिन आप चांस है 31 जून तक हो सकता है आपका पैसा आ जाए। जिन बंदों का पेमेंट पर्ची लिस्ट में नाम आ गया उनको इंतजार करना है 30 जून तक, क्यों 30 जून को महीना खत्म होता है। हो सकता है बिहार स्कॉलरशिप 30 जून तक, जिन बंदों का पेमेंट पर्ची में नाम आ गया इस महीने के दौरान, जिनका नाम आया इनका नाम पहले भी आ गया उनको पैसा रिसीव नहीं हुआ था, हो सकता है इस महीने के एंड तक आपको पैसा मिल जाए। ये सच फैक्ट है लेकिन हो सकता है मिल जाए, ठीक है। और उनको क्या करना है, जिनका अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ मेल करना है, सिर्फ मेल कीजिए। आप जितना हो सके प्रेशर बना रखिए, बिहार स्कॉलरशिप की जो मिनिस्ट्री उनको प्रेशर बना के रखिए, मेल कीजिए। मेल किस पे करना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेल इस मेल आई मेल करते रहिए उनको, स्क्रीनशॉट के साथ मेल कीजिए। आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा मेल कैसे करेंगे उनको, कैसे उनको रिप्लाई करेंगे, कैसे उनको आएगा मेल, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं इस बात पर। अभी आपका क्या स्टेटस शो कर रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेट लगा होगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड को भी शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार के स्कॉलरशिप अपडेट इस चैनल मिलता रहेगा। और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट में ला सकूं, एजुकेशन कंटेंट एंड बहुत कुछ आपको सिखा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।